हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो है कि हम अपने पितरों को कैसे खुश करें कि जब वो जहाँ से जाएं तो वो हमें आशीर्वाद दे के जाएँ और वो भी खुश रहें। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर्पयुत अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 को है। पितरों को श्राद्ध कर्म के लिए इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन किया गया तर्पण पिंडदान पूर्वजों को मोक्ष दिलाता है और उनकी आत्मा को तृप्त करता है। सर्पयुत अमावस्या पर लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। ऐसे में आप भी बिना किसी संकोच के इस दिन श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण की शुरुआत 1 अक्टूबर 2024 रात 9:41 और सूर्य ग्रहण की समाप्ति 2 अक्टूबर 2024 सुबह 3:16 पर होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं पिंडदान के अलावा ऐसा हम कौन सा काम करें जिससे कि हमारे पितर जो हैं वो प्रसन्न हो जाएं। घर में कलेश हो रहे हैं, सुख शांति छिन गई है, तो बृहस्पति की शांति के लिए पितृपक्ष में पीपल की लकड़ी से हवन करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। पितृपक्ष में पौधे लगाने से पितृदोष निवारण में सहायता मिलती है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार पीपल, बेल, तुलसी आदि पौधे में भगवान विष्णु और अन्य देवों का वास होता है। मान्यता है कि सर्पयुत अमावस्या पर तर्पण के अलावा अगर नदी के किनारे या किसी मंदिर, किसी तीर्थ स्थान पर आप ये पौधे लगाते हैं तो पितृ प्रसन्न होकर खुशहाली का आशीष देते हैं। महापुराणों के अनुसार पीपल में श्री हरि और पितरों का वास होता है। सर्पयुत अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ को जल से सींचना चाहिए और पूजन करना चाहिए। इससे पितृ दोष समाप्त होता है। श्राद्ध क्रम नदी के किनारे या पीपल के नीचे करना श्रेष्ठ माना जाता है। इससे पूर्वज अन्न जल आसानी से ग्रहण कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।